जय भी मान। सभी मेरे साथियों को क्रांतिकारी जय भी। मैं आपका रवि राव, जिला पूर्व अध्यक्ष ही मारिंग भारतीय एकता मिशन लुधियाना, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आज मेरी भीम आर्मी भारत एकता मिशन लुधियाना टीम, जिसमें हमारे सुरेंद्र भाई, हमारे वार्ड नंबर 91 के अंकुश जी, पवन जी और जितने मेरे साथी यहां पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने आज राजस्थान जो जालौर के अंदर जो घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसके अंदर हमारे इंदर मेघवाल, उसकी गलती क्या थी, उसने मटके से पानी पिया था। उस मास्टर ने, मैं उसे हरामखोर बोलूंगा, उस मास्टर ने उसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। जाति है कि जाति नहीं, हमारी जात जो है वो जाति नहीं। हमें जिस शब्दों से सुनाया गया हम दलित समाज के लोग हैं, आज भी वो समय लागू है। 5000 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन अभी हम आजाद नहीं हुए भाई, हम आजाद नहीं हुए। हमें जो इंदर मेघवाल की हत्या हुई है, हमें वहां पता लग गया कि हम आजाद नहीं है। उस हरामखोर ने, मास्टर ने हमारे भाई इंदर मेघवाल को सिर्फ एक पानी से पानी की हजा मटके निकालकर उसे मार मार उसकी हत्या कर दी गई। हम कहां से आजाद हैं? हम आजाद नहीं है। इसलिए आज हमने आक्रोश प्रदर्शन किया था इंदर मेघवाल लिए। तो मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरी बेनती है कि मेरा साथ दो, ताकि हम इंदर मेघवाल को न्याय दिला सके। भाई हमारा बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसका नाम बसता पूरे भारत के अंदर, जो भीम आदि भारत एकता मिशन चीफ है, वो कहीं भी उत्पीड़न होता है, कहीं कुछ होता है, भाई हमारा पहुंचता है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, उस भाई के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाए उनके और का साथ दें। हम सभी बहुजन समाज के लोग, ये मेरी बेनती है, मैं रवि राव जिला लुधियाना अध्यक्ष आपसे बेनती करता है कि जिले के अंदर अगर हमारी बिरादरी के लोग कहीं बैठे हुए हैं छुपकर, तो संपर्क करें मुझे। भीम आर्मी लुधियाना गूगल पे सर्च करोगे मेरा नाम आएगा, मेरा नंबर सब कुछ आएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर बेनती, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी मां, मेरी बहन, अगर कहीं लोड पड़ती रवि राव की या मेरी टीम की, तो रवि राव हमेशा खड़ा आप लोगों के साथ। आपसे विनती है कि जुड़े हमसे, भीम आर्मी लुधियाना सर्च करो, उसके अंदर रवि राव का नाम आएगा, मेरा नंबर आएगा और आप जुड़ो, क्योंकि समय बहुत ही खराब हुआ हमारा। अगर 2027 के अंदर बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई ना, तो हम खत्म हैं, हम लोग खत्म हैं। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, योगी सरकार बोलती है अगर सरकार दोबारा बीजेपी बनती है तो दोबारा है चुनाव नहीं होगा और हम खत्म, जो हम दलित समाज के लोग हम लोग हैं। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर संगठन मेरी बेनती है रवि राव की, कि आप लोग साथ दो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, जो सभी साथ करती है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी हमारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिसका निशान था बरगद, ठीक है। और साहब कांशीराम जी, उसको नाम दे पीपल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहब ने हमें को सुविधा दी, वो सुविधा था आज मैं इस कुर्सी बैठा हूं, मैंने अच्छे कपड़े पा रखे हैं, मैं बोल रहा हूं सामने, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि भीम आर्मी को ऐसा ऊपर उठाओ कि भीम आर्मी आप लोगों के काम करे। आज के लोग उत्पीड़न होता है तो भीम आर्मी साथ करती है भाई साहब। भीम आर्मी ऐसी
संगठन ऐसी पार्टी आजाद समाज पार्टी जो बाबा जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे बनाया है वो हमारे लिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर अपने सत्ता अपने हाथ में लेनी है तो चाबी हमें खोलनी पड़ेगी, उस चाबी के तहत लोग खोलेंगे तो हम सत्ता घुसेंगे वरना नहीं। आज चंद्रशेखर आजाद की बदौलत है कि मैं इतना बोल रहा हूं, जिस अवसर के सामने मुझे खड़ा मैं बोलूंगा, मुझे कानून पता लग गया, मुझे संविधान पता लग गया, इस कुर्सी बैठा मुझे पता, इस कुर्सी पे बैठे मेरे औकात है, मुझे पता मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये बाबा साहब को बदौलत है। अब मेरे भाई मेरे सभी साथी मेरे पीछे खड़े हुए हैं, इनको एक ही बात बोलूंगा, जो दल्ले हैं उनका साथ छोड़ दो, जो करते दलाली उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है 7-8 साल में भीम आर्मी काम करते होगा, मुझे पता भी भीम आर्मी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैंने सबको देख रखा है। भाई चंद्रशेखर आजाद को मेरे सामने गाली देते हैं, फिर वो बाम सेल में जाते हैं, फिर जाते डॉक्टर अंबेडकर नव दल में जाते हैं वो लोग, फिर दोबारा भीम आर्मी वहां आते हैं, ये क्या बात है भाई। इसलिए सभी मेरे बहुजन समाज के लोगों से मेरी बेनती है हाथ जोड़कर कि अपने समाज को ऐसा मनाओ कि अपना समाज उस पोजीशन पे हो कि हम कुछ बोलेगा। आगे हमारे सुरेंद्र भाई बैठे हूँ, वो आपसे कुछ बात करेंगे, आगे जय जय भीम जय भारत जय संविधान। ये हमारे भाई सुरेंद्र भाई थे, वार्ड नंबर 91 के, अभी तो कोई लगाया नहीं गया है, वैसे भी कार्यकर्ता बीमारी बहुत दिन से थे, ठीक है। और मेरा एक छोटा भाई अंकुश राव जो वार्ड 91 का उसको मैंने प्रधान बनाया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है दिल से लगन से, आपके सामने कुछ अपने वार्तालाप करेंगे ये भाई साहब हमारे। आगे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। सभी साथियों से मेरा निवेदन है यही कि जातिवाद को खत्म करो, जैसे कि हमारे राजस्थान में इंद्र मेघवाल को मार दिया गया, क्यों सिर्फ मटके का पानी पीने की वजह, क्योंकि हमारे बाबा साहब को भी कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और इसीलिए सबसे निवेदन है कि जातिवाद खत्म करें, अगर हम लोग इकट्ठा रहेंगे तभी जाके जातिवाद खत्म होगा, अगर आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और सभी साथियों से बेनती है ज्यादा से ज्यादा मतलब हर जगह कोई भी मेंबर भीम आर्मी है, ये भीम आर्मी है ये, और कहीं भी जरूरत पड़े हमारे बड़े भैया जो रवि राव जी हैं जो जिला अध्यक्ष जी हैं, तो कभी भी जरूरत पड़े फेसबुक या फेसबुक के जरिए इनका नंबर है, इनको फोन कीजिए, कोई भी दिक्कत हो हमारे बड़े भाई रवि राव जी हमेशा तैयार हैं। जय भीम जय। साथियों मेरे सुरेंद्र भाई और अंकुश राव वार्ड में कहने प्रधान, और आपसे मैं बेनती करता हूं, अब जहां भी अगर आपसे जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है तो आपके मोबाइल है, मोबाइल के जरिए कोई कांड होता है आप वो डालिए, कई हमारी बहन हमारा भाई प्रताड़ित हो रहा है वो डालिए, फेसबुक जरिए डालिए आप, और आपसे वादा है अगर भीम आर्मी ना आई तो आपकी जुत्ती मेरा सिर होगा, ये आपसे मेरा वादा है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 91 के अंदर मेरा अंकुश राव मेरा छोटा भाई इसे मैंने प्रधान लगाया है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसे मैंने लिस्ट भेजी सुरेंद्र भाई मेरे साथ में, बस कुछ देर की बात है हमारे बड़े भाई डॉक्टर बलवीर वर्धा जी पंजाब प्रधान वो पहुंच रहे हैं, मैं डेट और टाइम बता दूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप पहुंचे ताकि हमारी मीटिंग सफल हो और चंद्रशेखर आजाद जी को ये भरोसा हो
कि यहां लुटाटी काम कर रही है। इसलिए आप लोगों से हाल और बेनती है, अगर अपने घरों में तो छुपे बैठे हो, अपनी जात छुपा रहे हो, जात मत छुपाओ, बाहर आओ, जात मत छुपाओ, बाहर आओ, ताकि जाति तोड़ो समाज जोड़ो वो हम बना सके। इसलिए बेनती है सभी साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं से, इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग जो लोग अपने घरों में लुके बैठे हुए हैं, अपनी जात छुपा रहे हैं, उनको कुछ वीडियो पहुंचे। आज राजस्थान जालौर के अंदर कांड हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, कल को आपके भी साथ होगा, उसका जिम्मेवार हम लोग होंगे, कोई और नहीं। आज वो हमारा भाई इंद्र मेघवाल, जो कि एक सिर्फ मटकी से पानी पीने से उसे मार दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में लड़ाई लड़ी थी पानी की, उनका उनके बाबा साहब ने उनका हाथ टूट गया था, हमने पानी पिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज भी हम जो पानी कुत्ते पीते हैं हम वो पी नहीं पाते। इसलिए सबसे निवेदन है मेरी बहनों, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, खुल के समर्थन दे हमें। लुधियाने का मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं हाथ जोड़ को बहुत सारी बेनती है, मेरा साथ दो, चाहे कोई बिरादरी का हो हम साथ खड़ा। हमें ब्राह्मणवादी से कोई मतलब नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं है, कि ब्राह्मणवाद हमें खत्म करना है। मेरी बहनें, मेरी माताएं, सबसे निवेदन है कि सब लोग हाथ, मैं हाथ जोड़ बेनती कर रहा हूं रविदास जिला अध्यक्ष आपसे, तो मेरे साथ दें, चंद्रशेखर आजादी साथ दें, हर कि उस पीड़ित कुछ होता है हम आपके साथ। जय भीम, जय भीम।